इधर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान हुआ, जिसमें कई बड़े चेहरे भी नजर आ रहे हैं। पहली लिस्ट में 15 नाम सामान्य वर्ग से हैं, एससी एसटी और अल्पसंख्यक कोटे से हैं। 24 नाम 50 साल से कम उम्र के 12 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। केरल के सभी 14 सांसदों को टिकट मिला, एक भी टिकट नहीं कटा है। त्रिपुरा पश्चिम सीट से आशीष कुमार सहाय को टिकट मिला है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से राजेंद्र साहू को टिकट मिला। इसके अलावा रायपुर से विकास उपाध्याय का नाम है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को भी टिकट मिला है। कई बड़े चेहरे इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। 39 सीटों पर फाइनल फैसला हुआ। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। दिल्ली से अक्षित गुप्ता संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अक्षित, लंबे वक्त से मंथन हो रहा था कांग्रेस में पहली लिस्ट को लेकर। कहा जा रहा था कि 40 सीटों पर उम्मीदवार उतरेंगे, लेकिन 39 नाम घोषित कर दिए गए हैं। कई बड़े चेहरे इसमें नजर आते हैं। किस तरह का समीकरण सेट हुआ है और क्या फॉर्मूला रहा इस पूरी लिस्ट में? जी बिल्कुल, देखिए 39 कैंडिडेट्स की जो ये लिस्ट है, पहली लिस्ट कांग्रेस ने कल जारी कर दी है। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि लगभग 60 सीटों पर जो है लिस्ट को जारी किया जाएगा, लेकिन अभी 39 सीट पर ही जो है लिस्ट को जारी किया गया। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, राहुल गांधी जो है वायनाड से ही जो है इस बार चुनाव लड़ेंगे। और जो अभी भी ये अनक्लियर है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ रहा है अमेठी। हालांकि 2019 में जो है स्मृति ईरानी जो है अमेठी से जीत गई थी, तो अभी भी इस पर अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि वो अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और उसी के साथ साथ जो है अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो हैं, जैसे कि भूपेश बघेल, शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल, इनको भी जो है उतारा गया है। वहीं जैसे कि हम जानते हैं कि शशि थरूर को जो है तिरुवनंतपुरम से ही जो है टिकट दी गई है, जहाँ से वो 3 बार एमपी रह चुके हैं। इस बार भूपेश बघेल को जो है उनका लोकसभा डेब्यू जो है इस बार वो कर रहे हैं, और उनको जो है छत्तीसगढ़ से टिकट मिली है। और वहीं जो है केसी वेणुगोपाल को भी जो है जो एक सरप्राइजिंग निकल के सामने आया, उनको जो है टिकट मिली है, क्योंकि अभी भी राज्यसभा में जो है उनका लगभग दो साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है, तो उनको जो है वहां से रिजाइन करना पड़ेगा, फिर वो जो है सीट भी खाली हो जाएगी। तो वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट निकल के सामने आया कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है, टॉप लीडर्स है, वो भी जो है अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और जो अपर हाउस के लीडर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ने प्लान किया है, स्ट्रेटेजाइज किया है कि किस तरह से उनको उतारना है। और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो फोकस जो रहा है साउथ पे रहा है, क्योंकि 39 सीट्स जिन पर जो है लिस्ट को रिलीज किया गया है, उनमें से 28 सीट्स जो है साउथ इंडियन स्टेट्स की हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वही कर्नाटका से जो है 7 सीट को अनाउंस किया गया है, केरला से जो है 16 सीट को अनाउंस किया गया है, और 4 सीट तेलंगाना से और 1 सीट को जो है लक्षद्वीप से अनाउंस किया गया है। कांग्रेस ऑलरेडी जो है तेलंगाना और कर्नाटका में पावर में है, और वहां पर जो उनका गुड बेस है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है वहां से सीट्स को अनाउंस किया गया है। और एक बहुत अहम बात इसमें है कि 39 में से 24 कैंडिडेट जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड क्लासेस पे भी जो है फोकस रखा गया है। और उसी के साथ साथ जो है यूथ को भी जो है इस बार ध्यान में रखते हुए टिकट दी गई है, क्योंकि 12 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि 50 साल से कम के उम्र के हैं, और 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 50 से 60 साल की उम्र के हैं। तो इन सब चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी सीट पर दिखाई दे रही हैं। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वायनाड से ही केवल चुनाव लड़ने वाले हैं। जी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है अगली लिस्ट में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पहली लिस्ट में जो है उनको वायनाड से जो है उतारा जा रहा है और अमेठी से नहीं उतारा जा रहा है, क्योंकि 2004, 2009, 2014 3 बार जो है वो अमेठी से चुनाव जीते थे। हालांकि 2019 में जो है उनका जो ये बैटल जिसे हम कहते हैं बैस्टियन, उनको जो है लूज करना पड़ा था स्मृति ईरानी अगेंस्ट। तो अभी क्लैरिटी इस पर नहीं है कि कब जो है इस पर बिल्कुल। अक्षित, ये जो 39 नामों का ऐलान हुआ है, हमारे दर्शकों को भी हम बता देते हैं कि किस तरह से समीकरणों को साधते हुए इन सीटों पर जो बड़े चेहरे हैं वो नजर आ रहे हैं कांग्रेस की ओर से। इन उम्मीदवारों में कई बड़े नाम हैं, और बड़े नाम कौन कौन से हैं वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं और दर्शकों को समझाते हैं। राहुल गांधी हैं जो कि वायनाड से, यानी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे।
शशि थरूर का नाम है इस लिस्ट में, 39 कैंडिडेट्स में। तिरुवनंतपुरम से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। केसी वेणुगोपाल की हम बात करें, अल्पू झा केरल से वो चुनाव लड़ेंगे। भूपेश बघेल का भी नाम शुरुआत से कहा जा रहा था कि इस पहली लिस्ट में होगा। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वो चुनाव लड़ेंगे। डीके सुरेश का नाम है इसमें, बेंगलुरु ग्रामीण से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी कई बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के। शुरुआत में जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें कह सकते हैं कि आसान नाम ही सामने आए हैं, क्योंकि पहले से ही ये नाम चल रहे थे और भरोसेमंद नाम है कांग्रेस के लिए। तो वहीं लेफ्ट भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन केरल में कांग्रेस से टक्कर है। वायनाड और तिरुवनंतपुरम की सीटों पर किसके बीच टक्कर है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। दरअसल वायनाड में राहुल गांधी की जंग में सीपीआई नेता एनी राजा से उनकी भिड़ंत होगी, तो वहीं तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर के सामने सीपीआई नेता पी रविंद्रन उनके सामने हैं। तो कई बड़े चेहरे हैं, गठबंधन को लेकर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि जिस तरह की फाइट यहां पर नजर आ रही है उससे एकजुटता तो नजर नहीं आती है। इधर कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान किया, इस लिस्ट में जातीय समीकरणों को भी साधा गया है, और जातीय समीकरण किस तरह से नजर आते हैं इन चेहरों में वो भी हम आपको बताते हैं। 15 जनरल हैं, 24 एससी एसटी और ओबीसी उम्मीदवार इस लिस्ट में दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से भी कोशिश की जा रही है कि एक टफ फाइट दी जाए, लेकिन 195 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी जारी कर चुकी है। दूसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, किसी भी वक्त वो लिस्ट आ सकती है। वहीं कांग्रेस की ये पहली लिस्ट जिसमें 39 उम्मीदवार सामने आए हैं, लेकिन इस लिस्ट के आने के बाद भी कई सवाल उठ गए हैं। वो सवाल क्या है वो भी आप समझिए, और सवाल क्यों है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सीटों पर ऐलान नहीं हुआ है, खासतौर से रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर। पहली लिस्ट में अमेठी रायबरेली सीट को लेकर ऐलान की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस का एक वक्त में ये गढ़ हुआ करता था। सवाल ये कि क्या अमेठी सीट से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि वायनाड से उनके नाम का ऐलान हो गया है, लेकिन अमेठी पर सस्पेंस है। इधर प्रियंका गांधी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि सूत्र भी यही बता रहे हैं कि इस बार प्रियंका लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाली है। पहली लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है, पहली लिस्ट में सिर्फ 39 उम्मीदवार ही क्यों हैं, ये भी सवाल अपने आप में उठ रहा है। लंबा मंथन हुआ अक्षित, लेकिन उसके बाद भी केवल 39 उम्मीदवार। जी बिल्कुल, देखिए लंबा मंथन किया गया था लिस्ट पर, कई स्टेट्स को जो है ध्यान में रखा गया था, उन पर बातचीत की गई थी कि किस तरह के से जो है उम्मीदवारों को वहां से उतारना है। और जैसा कि आपने भी बोला कि सूत्रों की तरफ से हमें यही पता चल रहा है कि राहुल गांधी जो है इस बार शायद अमेठी से ना लड़े, हालांकि ये जो है अगली लिस्ट में क्लियर हो जाएगा कि वो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा अहम बात यहाँ पर ये है कि अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ है कि प्रियंका गांधी क्या अपना इलेक्टोरल डेब्यू करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो शायद रायबरेली से लड़ सकती है, जहाँ से सोनिया गांधी जो है 2004 से लड़ती आ रही है, और वो जो है उनका एक गढ़ रहा है। हालांकि इस बार जो है वो राज्यसभा से जो है इलेक्ट हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगली मीटिंग जो है कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, वो माना जा रहा है कि 11 मार्च को हो सकती है, और उसी के दौरान जो है यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं। बिल्कुल अक्षय, तो उत्तर प्रदेश के लिए भी नामों का ऐलान नहीं हुआ, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ भी जो समीकरण साधने की कोशिश की जा रही थी, जो सेटिंग बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्या वो अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। आप नजर बनाकर रखिएगा अक्षय, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।